हे एनीवन, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज का सॉन्ग ही ऐसा है। आज हम जिस सॉन्ग की मीनिंग देखेंगे वो है आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। आपने गाना सुना है ना? ये गाना मैं फुल वॉल्यूम करके सुनती हूँ। खैर, जैसे कि गाने के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये गाना लव योर सेल्फ एल्बम का है। बेसिकली इस गाने का कॉन्सेप्ट है कि BTS को या हमें बचाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम खुद को संभाल लेंगे। हम ठीक हैं, आई एम फाइन। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये गाना है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। है ना अच्छा कॉन्सेप्ट? सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ वी और जिमिन की लाइन है, मैं ठंडे नीले आकाश के नीचे अपनी आंखें खोलता हूँ, सूरज जो मुझ पर पूरी तरह से बरसता है, मुझे चक्कर आता है, मेरी सांस तेज हो रही है, मेरा दिल दौड़ रहा है, मैं इसे इतनी आसानी से महसूस कर सकता हूँ कि मैं जीवित हूँ। आसान शब्दों में यहाँ BTS कह रहे हैं कि वो परेशान हैं और डिप्रेशन में हैं, पर फिर भी एक छोटी सी उम्मीद उनके दिल में है, जिससे उन्हें ये एहसास होता है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। RM की लाइन ये ठीक है, भले ही उदासी मुझे मिटा दे, भले ही काले बादल हो, भले ही मैं एक अंतहीन सपने में हूँ, भले ही मैं टूट गया हूँ, भले ही मेरे पंख फटे हुए हों, भले ही किसी दिन मैं अब नहीं हूँ, यह ठीक है, केवल मैं ही अपना उद्धार कर सकता हूँ, मतलब मैं ही खुद को बचा सकता हूँ। मैं नहीं मरूँगा, मैं जीऊँगा। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मेरा आसमान बिल्कुल साफ है, सारे दर्द गुड बाय बाय। यहाँ RM क्लियरली कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, मैं कितना उदास हूँ या निराश हूँ या मेरे सपने बिखर गए हों, पर मैं फिर भी ठीक हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो खुद को संभाल सकता हूँ। RM ने जब कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, तो असल में वो कह रहे थे कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ हैं और जो तकलीफ़ है उनको गुड बाय। मुझे RM की ये लाइन पसंद है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो खुद को संभाल सकता हूँ। JK और जिन की लाइन, मेरा ठंडा दिल भूल गया है कि आपको कैसे बुलाना है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। रात का अंधेरा मेरे सोते हुए सपनों को जगाता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आसान शब्दों में JK और जिन कह रहे हैं कि रात का अंधेरा मतलब डिप्रेशन या परेशानी जब आता है, तब हो सकता है कि मैं एक पल के लिए तुम्हारे बारे में सोचूं, मतलब जिस पर उन्होंने पहले भरोसा किया होगा, फिर भी मैं ठीक हूँ, इस डिप्रेशन में भी हम ठीक हैं, आई एम फाइन। ये लाइन सही है कि परेशानी के वक्त दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा रखना चाहिए। JK की लाइन, आई एम फीलिंग जस्ट फाइन, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, मुझे पता है मैं सब मेरा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा मतलब जिस पर BTS ने पहले भरोसा रखा था, उसको बोल रहे हैं कि मैंने अकेले लड़ना सीख लिया है, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कि मैं सिर्फ मेरा हूँ। देखो, कोई इंसान हमें कितना भी प्यार करे या हमारा कितना भी साथ दे, पर 24 घंटे या हर एक सिचुएशन में वो हमारे साथ नहीं रह सकता ना। हमें खुद में स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। जिमिन की लाइन, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अब और दुखी नहीं होना चाहता हूँ,
मैं धूप को चमकते हुए देख सकता हूँ क्योंकि मैं ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। सबसे इजी लाइन, जिमिन कह रहे कि मैं अब और दुखी नहीं होना चाहता, मैं ठीक हूँ, आई एम सो फाइन। जेहोप की लाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अपने सारे दर्द को तुम्हारे बिना भी ठीक कर सकता हूँ, मैं बस ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अब मुस्करा सकता हूँ। इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, जेहोप साफ साफ ही कह रहे हैं कि मैं बिना किसी की हेल्प के भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और हमें भी करनी है। शुगा यहाँ कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, सारे दुख और परेशानी को एक स्माइल के साथ अलविदा कहते हैं, हम बहुत ठीक हैं, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, हमारा भविष्य खुशियों से भरा है, तो चलो उन चिंताओं को, उन टेंशन को एक तरफ रख देते हैं और इन्जॉय करते हैं, हमने बहुत हार्डवर्क किया है, हम बहुत अच्छे हैं। सुना सुगा ने क्या कहा, अपनी परेशानी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, तुम अच्छे हो, मैं अच्छी हूँ, हम अपने फ्यूचर के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। हाँ हम करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। JKV जिमिन जिन की लाइन, क्या आप ये देख पाएंगे ये धुंधली चांदनी, क्या आप सुन पाएंगे ये फीकी गूंज। जब हम परेशान होते हैं तो हमें अपना फ्यूचर भी अंधेरे में नज़र आता है, मतलब हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। तो इस लाइन में BTS कह रहे हैं कि क्या आप देख पाएंगे वो हल्की चांदनी यानी रोशनी, और रोशनी का मतलब होता है आशा यानी होप। अगर आप परेशान हैं तब भी ये होप रखना या आशा रखना कि फ्यूचर में सब ठीक होगा, और होता भी है, एक परेशानी हमेशा तक साथ नहीं चलती है। जिन भी जिमिन जेके कह रहे हैं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फाइन, मैं चिल्लाने की कोशिश करूँगा भले ही मुझे ये अकेले करना पड़े, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फिर से कोशिश करूँगा भले ही मुझे ये कई बार करना पड़े, अगर मैं फिर गिर भी जाऊँ तो भी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आसान शब्दों में BTS यहाँ कह रहे हैं कि वो हमेशा कोशिश करेंगे, चाहे वो कितनी बार भी हार क्यों ना मान ले या निराश हो जाए, पर फिर भी अपने अपने भविष्य के लिए और अपने अपनी खुशियों के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे। गाने की लास्ट लाइन, चाहे मैं गिर भी जाऊँ फिर भी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, यानी चाहे हम निराश भी हों या परेशान हों, ऐसे हालात में भी हमें बाहर वालों की बजाय खुद पर भरोसा रखना चाहिए, खुद से कहना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, सो से आई एम फाइन। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत पसंद है और इस सॉन्ग का डांस भी मुझे बहुत पसंद है। खैर आप बताना वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक, नहीं तो इग्नोर। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, एंड वी आर फाइन।